नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नई जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नव नियुक्त जिला भाजपा अध्यक्ष सुभाष जालान ने भाजपा के द्वारा किया जा रहा आम सभा कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर जमकर बरसा। शासकीय दफ्तरों व कार्यालयों से लेकर पंचायत कार्यालयों सहित कई बड़े अधिकारियों के दफ्तर पर MLA कार्यालय खोल कर चंदा वसूलने के बड़े आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधि द्वारा खुद को राष्ट्रपति बन बैठने के आरोप लगाते उस पर भी अनेक प्रकार के कैश लगवाने जैसे धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी जान से एक कर रही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई पछतावा है तो शिक्षा कर्मी पछतावा है। खबर गुरु जी नमस्ते पहले प्रोटोकॉल नहीं जानते थे, प्रोटोकॉल वाले कहूं हाथ में आते तक कहते तुमको विधायक से मिलने की तमीज नहीं है। अरे भैया, विधायक नहीं राष्ट्रपति बने हैं और पूरा इलाका के पैसा बांटू जाते गांव में पंचायत हो जाते खड़े और एक खड़े बात होते विधायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब चमकाना चाहते मोल पर 10 प्रकार के केस बनाना चाहते। अरे कोई मैं क्या लाल कांग्रेसी पैदा नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ता है जो डीए नहीं है, जो किसी भी सक्षम है किसी भी मामले को निपटने के लिए। ये प्रशासन और खास करके एसडीएम नहीं, ये सब डिविजन MLA का कार्यालय बन गया है। MLA का कार्यालय SDM का कार्यालय बन गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। SDM साहब आप 2 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन अगर भाजपा की सरकार बने आपके तमाम काले कारनामे को उजागर कर आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। और इस मन के माध्यम से अधिकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाग गए हैं, जनता भाजपा के साथ है, अपना चेहरा और रवैया बदल लो, नहीं तो आप पछताओगे, क्योंकि जनता जिसके साथ होती है प्रशासन को उसके साथ होना पड़ता है। संवाददाता राजू निराला की रिपोर्ट।